Hi, hi everyone. Good morning, good morning everyone. Good afternoon everybody, good afternoon. It's 12 pm. Good afternoon everybody, good afternoon. Today is 10th of December 2023. Am I audible? Am I visible? Good afternoon, good afternoon everybody. Alright, so this is 10th of December 2023. Hello, hi Aditi. Good afternoon, good afternoon everybody. So today is 10th of December 2023. डे नंबर थ्री फोर फोर सक्सेस सक्सेस टेक्स टाइम सक्सेस टेक्स टाइम अप टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन नेक्स्ट अबाउट फोर्टी टू फोर्टी फाइव मिनट्स क्लास टाइमिंग थोड़ा सा चेंज हो गया है सुबह दस बजे होती है इकोनॉमिक्स की क्लास ग्यारह बजे है लाइब्रेरी वन जिसमें असाइनमेंट टेक्स्ट एन होमवर्क टास्क ये सब कंप्लीट हो रहा है और 12 बजे होती है हमारी न्यूज़पेपर की क्लास सो एवरी डे हमें थ्री आवर्स ऑफ टाइम निकालना है और इसको डेडिकेट करना है चैनलाइज करना है एग्जाम प्रिपरेशन इन स्टडी में ओके एवरी डे टेन टू वन थ्री आवर्स ऑफ टाइम एवरी डे मीन्स एवरी डे सी सक्सेस यू नो एट टाइम्स हम कंपेरिजन ड्रॉ करते हैं कंपेरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय यू नो द सक्सेस ऑफ अदर्स वॉट वी सी

द जमींदाराइट ऑफ ऑनरशिप वॉज मेड हेरिडिटेरी एंड ट्रांसफरेबल द सिस्टम रिमेन कन्फाइंड ओनली टू द प्रोविंस ऑफ बेंगाल सो ये बात है परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम आया था बेंगाल में ब्रिटिशर्स ने यह एक तरीका निकाला था रेवेन्यू कलेक्शन का सो कंसिडर द फॉलोविंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिशर्स इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय अलेक्सेंडर रीड जमींदार का जो राइट ऑफ ऑनरशिप था ये हेरिडेटरी कर दिया था और ट्रांसफरेबल था ये जो सिस्टम था ये कन्फाइंड था प्रोविंस ऑफ बंगाल में सी जमींदारी सिस्टम परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम बंगाल में आया था बट ये कन्फाइंड नहीं था केवल बंगाल में सो दिस इज रॉन्ग फर्स्ट ये अलेक्जेंडर रीड ने भी नहीं किया था लॉर्ड कॉर्नवॉल वेरी गुड प्रियंका सो दिस इज वेरी गुड नेहा तो ये भी गलत है ये भी गलत है

ये जो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर था इससे क्या इम्पैक्ट आया स्टेबिलिटी आया प्राइसेस ऑफ क्रॉप्स जैसे कॉटन और शुगर में. इसने एक इंडिया में बनाया जब ये कमर्शियलाइजेशन हुआ क्रॉप का जैसे कॉटन और शुगर केन का, हमने कमर्शियल स्किल कमर्शियलाइजेशन का मतलब वी आर प्रोड्यूसिंग एग्रीकल्चर नॉट फॉर ओन कंजम्पशन बट ओनली फॉर द परपज ऑफ सेल तो ये kind of commercial, commercial agriculture बोलेंगे। so इससे हम एक्सपोर्ट करने लग गए और एक्सपोर्ट के कारण जो इंटरनेशनल मार्केट फ्लक्चुएशन था वो हमारे कॉटन और शुगर केन की प्राइस में भी रिफ्लेक्ट हो रहा था तो ये गलत हो गया इट क्रिएटेड द क्लास ऑफ कैपिटलिस्ट लैंड ओनर्स इन इंडिया इनफैक्ट ये भी गलत है ये जो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर था इसने एज सच ये जो लैंड ऑनर्स थे ऐसा डायरेक्ट कंपनी रूल में था इनको इतना फायदा नहीं हुआ सो द राइट आंसर इज डी ये दोनों के दोनों गलत है क्वेश्चन नंबर थ्री यूजिंग द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम द जमींदार्स वर रिक्वायर्ड टू इशू पट्टा ये काइंड ऑफ पट्टा होता था टाइटल डीड टू द फार्मर्स डीज वर नॉट इशूड बाय मेनी जमींदार और उसका रीजन क्या था सो so पट्टा एक काइंड ऑफ लाइक सर्टिफिकेट था

तो ये जो पट्टा इशू करना होता था पट्टा इशू जो करना होता था एट टाइम्स ये नहीं किया जाता था और उसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि एक्सप्लॉयटेटिव टैक्टिक्स थी बाय द जमींदार्स जमींदार एक्सप्लॉयटेशन करते थे फार्मर्स का सो दैट इज वाई ये जितना भी जमींदारी का सिस्टम आया था इसने इंडियन एग्रीकल्चर में कैटास्ट्रोफिक डैमेजेस लाए थे इंडियन एग्रीकल्चर में दिस इज क्वेश्चन नंबर फोर ये एक थ्योरी है थ्योरी क्रिएटिंग अ क्लास इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट इन ओपिनियन इन मोरल एंड इन इंटेलेक्ट इस थ्योरी में हु वुड एक्ट एज इंटरप्रेटर बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द मासज वॉज नेम्ड एस तो एक थ्योरी ब्रिटिशर्स लेके आए थे कि हमें ऐसे इंडियंस बनाने हैं जो ब्लड में और कलर ऑफ स्किन में तो इंडियन होंगे बट उनका जो टेस्ट है जो इंटेलैक्चुअल लेवल है जो उनकी मॉरल वैल्यूज़ हैं ये सब ब्रिटिश जैसी होगी दे विल क्रिएट अ क्लास ऑफ सिटीजन जो इंडियंस हैं बट उनका टेस्ट एटसेट्रा सब ब्रिटिश होगा सो so इस थ्योरी का नाम क्या था डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी थ्योरी ऑफ पैरामाउंसी थ्योरी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड सैग्रिगेशन या फिर प्रोपोगेंडा ड्रेन थ्योरी सो ये जो थ्योरी थी इसको बोलते थे डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी यस डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी तो दिस इज ऑल्सो एट टाइम्स जो हम बोलते हैं कि हमने कोलोनियल माइंड बना दिया है कोलोनियल माइंडसेट क्या होता है जो भी विदेशी है जो भी वेस्टर्न है उनका तौर तरीके उनके ड्रेसिंग सेंस उनके चॉइसेस द वे दे लिव हम उसको सुपीरियर मानते हैं हम उसकी तरफ ज्यादा हमारी इंक्लिनेशन होता है वाई बिकॉज कहीं ना कहीं ये कोलोनियल माइंडसेट हो जाता है कि दे आर सुपीरियर एंड वी आर इन्फीरियर सो ये जो था ये सिस्टमेटिक ब्रेन वॉश किया गया था बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट कि हमें एक ऐसे क्लास ऑफ इंडियंस बनाना है जो ब्लड और कलर में तो इंडियन होंगे बट उनकी जो सोच है रहन सहन है वो सब ब्रिटिश होगा क्वेश्चन नंबर फाइव विच ऑफ द इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट परमानेंट सेटलमेंट द परमानेंट सेटलमेंट वेस्टेड लैंड ऑनरशिप राइट इन द जमींदार द परमानेंट सेटलमेंट कंटिन्यू टू पे अटेंशन टू द दस्टमरी ऑक्यूपेंसी पीजेंट्स बर्डन ऑफ द हाई रेवेन्यू असेसमेंट वॉज शिफ्टेड टू द पीजेंट्स

परमानेंट सेटलमेंट कंटिन्यू टू पे अटेंशन टू कस्टमरी ऑक्यूपेंसी राइट्स ऑफ पीजेंस ये तो बहुत अच्छी बात हो गई और अच्छी बात ब्रिटिशर्स के साथ कैसे हो सकती है सो द थिंग इज दिस इज रॉन्ग बी इज रॉन्ग सो दीज आर फाइव क्वेश्चन फॉर टूडे अब आपने देखा ना ऐसे हम थ्योरी पढ़ते हैं तो देट इज ओके बट जब हम उस थ्योरी पार्ट का एप्लीकेशन करते हैं एम सी क्यू सॉल्व करते हैं आंसर राइटिंग करते हैं तो हमारा रिटेंशन ज्यादा होता है हमारी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होती है

कि जैसे फर्स्ट ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव मिनट्स है इसमें हम सब क्विज आंसर राइटिंग एक्सेट्रा देखते हैं और फिर जो थर्टी मिनट्स होते हैं इसमें मैं आपको पूरा पूरा न्यूज पेपर थ्रू करा दूंगा तो इससे एक ही वीडियो में अपने सारे सर्व, सर्व हो जाएंगे okay. जैसे ये टेलीग्राम क्विज है एवरीडे वी आर हैविंग फाइव सच मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ज्वाइन दिस चैनल एंड अटेम्प्ट अटेम ऑन डेली बेसिस दिस इज इंग्लिश इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्राइविंग कुछ वोकैब वर्ड्स हैं रिलेटेड टू ड्राइविंग जिससे ट्रैफिक ट्रैफिक मीन्स ट्रैफिक का मतलब है देर आर टू मेनी व्हीकल्स बहुत सारे व्हीकल्स हैं रोड पे तो ट्रैफिक हो गया है ओवरटेक करना मतलब एक व्हीकल है और आप उसको साइड करके आगे जा रहे हो दिस ओवरटेकिंग टू अप्रोच मतलब यू आर कमिंग क्लोजर टू कम क्लोज टू समथिंग और सम बॉडी टू कम टू हॉल्ट मतलब स्टॉप हो जाना टू कम टू हॉल्ट टू रिवर्स मतलब टू गो बैकवर्ड रियर व्यू मिरर होता है जिससे हम रियर व्यू पीछे से कोई व्हीकल आ रहा है तो हम उसे देख पाते हैं आप बता सकते हो रियर व्यू मिरर कॉनकेव मिरर होता है या कॉन्वेक्स मिरर होता है इंडिकेट मतलब टू स्विच ऑन योर इंडिकेटर स्किड का मतलब होता है आप सपोज ड्राइव कर रहे हो टायर्स स्किड हो गए कार गोज आउट ऑफ कंट्रोल होना वेट और स्लिपरी सरफेस क्या बता सकते हो ऐसा क्यों होगा स्किडिंग क्यों होती है कार गोज आउट ऑफ कंट्रोल ऑन अ वेट और स्लिपरी सर्फेस जब वेट और स्लिपरी सर्फेस होता है स्लिपरी सर्फेस होता है तो फ्रिक्शन कम हो जाता है एंड फ्रिक्शन इज द एजेंट जो स्टेबिलिटी लाता है तो वेन द फ्रिक्शन इज लेस जो आपका व्हीकल है वो स्कीड करता है ब्रेक मीन्स होता है टू अप्लाई ब्रेक और व्हीकल को स्लो डाउन करना सो so ये कुछ वो कैब वर्ड है रिलेटेड टू ड्राइविंग सी एम्पावर ये बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है एम्पावर हर जो वर्क प्लेस है या फिर जो हमारा एजुकेशन स्कूल्स हैं क्लासरूम्स हैं सोसाइटी है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम यहाँ पे किसी भी टाइप के हरासमेंट के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रखें एम्पावर हर सेक्शुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रेड्रेसल एक्ट टू है सेक्शुअल हरासमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रेड्रेसल एक्ट टू इसमें है एंश्योरिंग अ सेफ वर्क एनवायरनमेंट इसमें अनवेलकम एक्ट्स है जैसे मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स या शोइंग पोर्नोग्राफी ये एक पनिशेबल क्राइम है सिमिलरली एंश्योरिंग अ सेफ वर्क एनवायरनमेंट के लिए ज़रूरी है कि एनी अदर फिजिकल वर्बल और नॉन वर्बल कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर है ये भी एक पनिशेबल क्राइम है एक ऑनलाइन सिंगल विंडो है कंप्लेंट मैनेजमेंट का जिसका नाम है शी बॉक्स ये शी बॉक्स हर ऑफिस में रहना जरूरी है इसका फुल फॉर्म है सेक्सुअल हेरासमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स शी बॉक्स और इसका एक ऑफिशियल वेबसाइट भी है www.shebox.nic.in इसके अलावा ये एप्लीकेबल है ऑल वुमेन पे इरेस्पेक्टिव ऑफ एज और एम्प्लॉयमेंट स्टेटस चाहे आप ऑर्गेनाइज्ड वर्क सेक्टर में हो या फिर अनऑर्गेनाइज्ड वर्क सेक्टर में ये जो एक्ट है ये वहां पर एप्लीकेबल होगा सिमिलरली ये एक्ट आया था और इसका एम है टू प्रोवाइड से हम जो सोसाइटल वर्क कंडीशन है या फिर जो अप्रोच है हमारा इसमें हम जेंडर सेंसिटिवनेस को इंक्लूड करना जरूरी है और एक सेफ एंड हेल्थी वर्क एनवायरमेंट इंश्योर कराना इज एवरीबडीज रेस्पॉन्सिबिलिटी यस इम्प्लीमेंटेशन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोटेल विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ द मंदाकिनी रिवर मंदाकिनी रिवर यस यस सो यस इट इज अ पनिशेबल क्राइम ये पनिशेबल क्राइम है आईपीसी थ्री फाइव फोर ए थ्री फाइव फोर बी फाइव सी फाइव फोर डी वेरी गुड होम द थिंग इज कि इसमें जेंडर सेंसिटिवनेस भी होना चाहिए स्ट्रिक्ट रूल्स होने चाहिए स्ट्रिक्ट लॉज होने चाहिए एंड वी नीड टू प्रोवाइड अ सेफ एंड हेल्दी वर्क एटमॉस्फेयर फॉर एवरी वन दिस इज मंदाकिनी रिवर तो आप बता सकते हो मंदाकिनी रिवर का सोर्स क्या है दिस इज ट्रांगो छोटा शिगरी लोनाग या चोराबारी ग्लेशियर तो ये जो मंदाकनी रिवर आती है ये किस ग्लेशियर से आती है कल हमने पढ़े थे ना ग्लेशियर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो टेल द नेम ऑफ दैट ग्लेशियर सी लुक एट दिस तो ये है पोलियो राउंड संडे ऑफ दिसंबर को है लेट द विक्ट्री ओवर पोलियो कंटिन्यूज विद टू ड्रॉप ऑफ लाइफ दो बूंद जिंदगी की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल दो इंडिया पोलियो फ्री है इंडिया इज अ पोलियो फ्री कंट्री बट पोलियो स्टिल एग्जिस्ट इन सम कंट्रीज

स की मेडिसिन अक्वायर कर सकते हैं सिमिलरली अब पांच लाख हो गई है for healthcare payments. Healthcare payments में अब लाख रुपए तक अब UPI payment कर सकते हैं. हैं yes. so, ये कुछ सोशल मीडिया अपडेट के अब हम क्विकली आते हैं द हिंदू न्यूज पेपर दिस पैटर्न इससे थोड़ा एफिशिएंसी आ जाएगा शुरू के 20 25 मिनट्स हम से सोशल मीडिया क्विज एक्सेट्रा कवर करते हैं फॉर अवर एग्जाम प्रिपरेशन एंड जो नेक्स्ट थर्टी मिनट्स होते हैं ये हम डेडिकेट करेंगे द हिंदू न्यूज में और आखिरी के जो पांच सात मिनट होंगे उसमें हम आंसर राइटिंग कर लेंगे सो द आइडिया इज बारह से एक बजे तक इस एक घंटे को हम सबको अच्छे से यूटिलाइज करना है फॉर से एग्जाम प्रिपरेशन सो हिंदू सनडे दिसंबर टेंथ टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री सी यहाँ पे जो टेम्पल है टेम्पल का कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी यहाँ पे चल रहा है राम टेम्पल सेट्स ऑफ रियलिटी बूम अब द थिंग इज़ जो रियलिटी सेक्टर होता है जैसे जमीनों की जो कीमत होती है तो अगर यहाँ पर टेम्पल राम टेम्पल बनता है तो इसके आसपास की जितनी भी जमीनें होती है उसकी कीमत में क्या होगा उछाल आएगा वहां पे कीमत बढ़ेगी सो so, अयोध्या टाउन गियर अप द गियर अप फॉर द कॉन्स्क्रेकेशन ऑफ द टेम्पल एंड लैंड प्राइस सो टू एंड ऑल टाइम हाई स्पेशलीरियाज अराउंड द न्यूज स्ट्रक्चर सो अभी यहाँ पे लैंडस्केप चेंज हो रहा है सिमिलरली हमने कुछ टाइम पहले न्यूज देखा था जैसे अभी एक नया एयरपोर्ट अनाउंस हुआ है नोएडा के पास एक एयरपोर्ट है तो द थिंग इज कि जहाँ पर भी इस टाइप का एक सिग्निफिकेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हम लाते हैं तो उससे आसपास के एरिया में इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ती है ओके okay? तो ये अभी टेम्पल कंस्ट्रक्शन अभी फुल थ्रोटल यहाँ पर इट्स गोइंग ऑन देन दिस इज this is the front page of the Hindu. Then this is next one. Srinagar shivers below zero. Srinagar woke up to the frost. ये क्या है frost है. Saturday morning में coldest night थी winter में minimum temperature 4.6 degree तक चला गया. आप difference बता सकते हो frost और fog में दोनों में difference क्या होता है frost और fog में और जो freezing point होता है freezing point होता है फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है जैसे क्या होता है फ्रॉस्ट कैसे जमती है फ्रॉस्ट ये ऐसे जमती है कि कोई एक एक सरफेस होना चाहिए जैसे यहाँ पे लीव्स हो गई और जो टेम्परेचर कम होता है टेम्परेचर जो कम है यस बिलो ड्यू पॉइंट तो वहां पर बर्फ हो जाती है तो फ्रॉस्ट जो फ्रॉस्ट जो होता है लाइक इट इज काइंड ऑफ लाइक आइस इट इज काइंड ऑफ लाइक आइस और जो फॉग होता है फॉग सिमिलर वे में हम बोल सकते हैं इट इज जस्ट क्लाउड जो जमीन पे आ गए ऑल क्लाउड्स जो जमीन पे आ जाते हैं सरफेस पे आ जाते हैं उनको बोलते हैं अपन फॉग और जो ये ऐसे आइस फॉर्मेट में जम जाता है इसको हम बोलते हैं फ्रॉस्ट ऐसे ही एक मिस्ट भी होता है मिस्ट मिस्ट भी होता है. क्या होता है है क्या टेल अक्सर हॉरर मूवीज में जो दिखाया जाता है ना वो मिस्ट होता है दिस इज दैट इज मिस्ट ओके सो दिस इज श्रीनगर शिवर्स लो रेट ऑफ डिस्पोजल है पॉक्सो केसेस का बाय फास्ट ट्रैक कोर्स तो दिस इज अ कॉज ऑफ वरी दिस इज पॉक्सो तो पॉक्सो के जो केसेस है वो क्विकली यहाँ पे रिजोल्व नहीं हो रहे हैं प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम ऑफेंसेस एक्ट पे बताया तो ट्रायल्स जो होते हैं से वन ईयर ऑफ टाइम पे कंप्लीट होना इज नेसेसरी लो रेट ऑफ डिस्पोजल ऑफ पॉक्सो केसेस बाय ट्रैक कोर्ट देन दिस इज इलेक्शन द मिसिंग डॉटर्स ऑफ ओडिशाज बॉर्डर विलेज यहां पे बात है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का क्या ह्यूमन ट्रैफिकिंग का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई आर्टिकल है कैन यू आंसर ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड कोई आर्टिकल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ फंडामेंटल राइट्स हैं और ये फंडामेंटल राइट्स हमें सेफ करते हैं बट स्टिल सच टाइप ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग है और इस पे गवर्नमेंट नेसेसरी एक्शन पुलिस एक्शन इज रिक्वायर्ड ये एनसीआरबी का डेटा बता रहा है दिस इज उड़ीसा रेलवे विद्रॉज इमरजेंसी कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम्स ये स्टाफ के लिए था प्राइवेट हॉस्पिटल विदाउट ऑफिशियल रेफरल ये भी बंद कर दिया गया है एंड दिस इज साइंस में जो फर्स्ट न्यूज है वो है ग्रीन टर्टल्स का एक होते हैं टर्टल्स और एक होते हैं टॉर्टॉइज टर्टल्स ये टर्टल्स हैं टर्टल्स प्राइमरली वाटर सी में मिलते हैं सो ग्रीन टर्टल्स नेस्टिंग रेंज एक्सपैंड अंडर वार्मिंग क्लाइमेट यहाँ पे हमने बात किया है ग्रीन टर्टल्स का अब ये जो सी टर्टल्स होते हैं ना इनका जब एग हैच हो रहा है इनिशियल डेज है तो जेंडर डिसाइड नहीं होता है सी टर्टल्टेबल एज द सेक्स ऑफ देयर ऑफ स्प्रिंग इज डिपेंडेंट ऑन द इंक्यूबेशन टेम्परेचर तो इंक्यूबेशन टेम्परेचर के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि वो मेल होगा या फिर बाद में फीमेल होगा मेल या फीमेल होगा इंक्यूबेशन टेम्परेचर अब बिकॉज ग्लोबल वार्मिंग है टेम्परेचर इज ऑन राइज सो दैट इज वाई इस स्पीशीज में डिस्टेबिलिटी देखने को मिल रहा है ग्रीन टर्टल्स में तो ये साइंटिफिक रिपोर्ट्स है मेडिटेरेनियन सी में ये काफी नेस्टिंग रेंज होता है बट मेडिटेरेनियन सी भी अप हो रहा है तो उसके कारण इनके जो ब्रीडिंग पैटर्न है वो इम्पैक्ट हो रहा है नेस्टिंग साइट में भी डिफिकल्टी यहाँ पर देखने को मिल रहा है सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ रहा है सी सेलिनिटी बढ़ रहा है ह्यूमन पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ रहा है और ये नेस्टिंग साइट्स को इम्पैक्ट कर रहा है यस yes, गहिर था बीच ये कहां पर है गहिर माथा बीच जो इंडिया का बे ऑफ बंगाल का कोस्ट है यहाँ पे ऑलिव रिडली टर्टल्स ऑलिव ऑलि टर्टल्स का ह्यूज नंबर पे नेस्टिंग साइट्स होती है यस yes, ऑलिव रिडली टर्टल ओके सो दीज आर टर्टल्स okay, so और ये ग्रीन टर्टल्स हैं ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के कारण यहाँ पे डिफिकल्टी आ रही है ये ग्रीस इटली एड्रिया यहाँ पर प्राइमरली मिलते हैं ये है हनी गाइड बर्ड्स लर्न सिग्नल बाय हनी हंटर्स जो बर्ड्स होती है ना ये भी कम्युनिकेट करती है कम्युनिकेशन होता है इनका बिहेवियरल पैटर्न भी होता है सो so, अफ्रीकन का हनी गाइड बर्ड्स हैं ये अंडरस्टैंड करती है रेस्पॉन्ड करती है कल्चरली डिस्टिंक्ट सिग्नल्स मेड बाय लोकल ह्यूमन हनी हंटर्स तो कल्चरल यहाँ पे को इवोल्यूशन हो गया है बिटवीन स्पीशीज मीन्स जो ह्यूमन स्पीशीज है और बर्ड स्पीशीज है इनके बीच में काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है इवोल्यूशन हो गया है तो ह्यूमन कोऑपरेट करते हैं वाइल्ड एनिमल से तो दिस इज हनी गाइड गाइड हनी स्पीशीज है है देन ये ट्रीज इन वेटर फॉरेस्ट मोर सेंसिटिव टू क्या होता है पानी की कमी इज कॉल्ड और जो वेटर फॉरेस्ट है मतलब यूजुअली उनके पास काफी वाटर अवेलेबिलिटी होता है से इक्वेटोरियल फॉरेस्ट बट अगर यहाँ पे ड्रॉट कंडीशन आती है तो वो ज्यादा सेंसिटिव होते हैं बिकॉज दे आर नॉट इवॉल्व टू सस्टेन ड्रॉट कंडीशंस ट्री रिंग ग्रोथ इसको क्या बोलते हैं कौन सी लॉजी होता है हमने पढ़ा था ना ऐसे एक जो लेयर्स बनती जाती है रिंग्स बनती जाती है ट्री में इससे हम हिस्ट्री को फाइंड आउट कर सकते हैं कि इन द पास्ट वहां पे किस टाइप का वेदर या क्लाइमेट उस टाइम पे एग्जिस्टेंट था ये जो रिंग्स बनती है इस रिंग से एज ऑफ ट्री भी फाइंड हो जाता है यस वेरी गुड डेंड्रोक्रोनोलॉजी बोलते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी तो ये एनुअल ट्री रिंग ग्रोथ होता है एनुअल ट्री रिंग ग्रोथ होता है 122 सौ स्पीशीज का यहाँ पे हमने देखा और फिर हमने ये देखा कि इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में बिकॉज ये इक्वेटर है और इक्वेटर में सीजन नहीं होते तो इक्वेटर में अक्सर रिंग्स फॉर्मेशन भी आपको कम देखने को मिलेगा तो पॉलिसी ने यहाँ पे बताया रिजिलियंस है रिसर्च सजेस्ट फॉरेस्ट विल कंटिन्यू टू शिफ्ट फ्रॉम कार्बन सिंक टू सोर्स एज द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इनक्रीजेस फॉरेस्ट so, का प्रेडिक्ट करना डिफिकल्ट हो जाएगा डेंड्रोक्रोनोलॉजी और मैनेजमेंट भी डिफिकल्ट होगा स्टडीज शो दैट टू वाइल्ड ग्रास दिस इज टून साइंस मेड मेज तो ये क्या है मेज मशीन है कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है मशीन्स के थ्रू हम काफी ज्यादा दिस एग्रीकल्चर में इनपुट्स डालते हैं बिकॉज वेस्टर्न कंट्रीज में ह्यूमन रिसोर्सिस कम होते हैं सो वी रिलाय मोर एंड मोर ऑन मशीन कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज्यादा रखते हैं तो ब्रॉड जेनेटिक सैम्पलिंग है मेज का और ग्रास रूट एंसेस्टर्स का यहाँ पे इन्होंने देखा डोमेस्टिकेशन कैसे हुआ है एसेट्रा तो एंथ्रोपोजोनिक मैकेनिज्म से हमने यहाँ पर जेनेटिक कॉन्ट्रीब्यूशन देखा और कैसे ये इवॉल्व हुआ है वन मोर थिंग ये जितना भी कैपिटल इंटेंसिव एग्रीकल्चर होता है ये ज्यादा मास स्केल में होता है और ये ज्यादा कमर्शलाइज भी होता है कमर्शलाइज ज्यादा होता है एक्सपोर्ट फॉर एक्सपोर्ट ये ज्यादा होता है दिस इज एग्रीकल्चर तो स्टडी ने बताया दो जो वाइल्ड ग्रासेस हैं और इन दोनों से मेज बना हुआ है तो ये वाइल्ड ग्रास है और इन दोनों के जेनेटिक सैंपलिंग से यहाँ पर एक इन्होंने मेज कल्टीवेशन का यहाँ पे केस दिखा है दिस इज इलेक्ट्रिक ईल जैसे एक जुगनू होता है जुगनू होता है तो जुगनू में क्या होता है दिस लाइट एमिट करता है वो लाइट एमिट करता है लाइट कैसे एमिट करता है ये होता है बाय केमिकल रिएक्शंस केमिकल रिएक्शंस सिमिलरली जो इलेक्ट्रिक ईल होती है इलेक्ट्रिक ईल में भी क्या होता है ये इनके पास लाइक एक गुड साइज की बिग साइज की इलेक्ट्रिक ईल होती है उसमें इतना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट हो सकता है कि वो एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग को भी शॉक दे सकती है इवन किल भी कर सकती है तो ये जो इलेक्ट्रिक ईल्स होती है इसमें इलेक्ट्रिसिटी शॉक की तरह ये देती है इलेक्ट्रिसिटी शॉक ये देती है यस yes, बायोल्यूमिनसेंस होता है ये होता है अभी कहा बीच था महाराष्ट्र का बीच था ना जहां पे बीच पूरा ब्लू ग्लो होने लग गया था ऐसे ब्लू ग्लो होने लग गया था और वो हुआ था बिकॉज ऑफ यस तो इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम इलेक्ट्रिक ईल्स ट्रांसफर जेनेटिक मटेरियल्स टू नियर बाय एनिमल्स तो एक स्टडी में ये भी देखा ये 860 वोल्ट का करंट जनरेट कर सकती है 860 वोल्ट का शॉक दे सकती है इलेक्ट्रिक ईल और ये इनफ है टू रन अ मशीन इवन ईल्स इस तरीके से ह्यूमन या फिर अदर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको भी ये शॉक किल कर सकता है तो यूनिवर्सिटी ऑफ जापान में ये देखा और इसके फिश लार्वे को इन्होंने स्टडी किया और फिर इस शॉक मैकेनिज्म से इन्होंने जीन डिलीवरी टेक्निक इलेक्ट्रोपोरेशन यूजेस यहाँ पर देखे और वो सेल मेम्ब्रेन में जेनेटिक ट्रांसफर भी ये हो पा रहा है वाया दिस शॉक तो ये स्टडी किया है और ये स्टडी हुआ है जापान में नागोया यूनिवर्सिटी अमेजोन रिवर में एनी एक्टिविटीज बेटर फॉर योर हार्ट देन सिटिंग अक्सर हम बोलते हैं ना एक्टिव रहना है ज्यादा से ज्यादा बॉडी मूवमेंट करना है सो एक्सरसाइज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ अवर बॉडी एंड बॉडी पार्ट एक्सरसाइजेस एक्सरसाइज रेगुलर करने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है डायबिटीज कंट्रोल होती है आपका ओवरऑल जो यस कॉग्नेटिव लर्निंग मेमोरी बेटर होता है आपका बेटर मूड रहेगा अगर हम केवल ऑनलाइन कंजम्पशन कर रहे हैं सेडेंट्री लाइफ है हमारी तो इस इन चीज़ों से इन चीजों से क्या होता है हमारी ओवरऑल जो हेल्थ है उसमें डिक्लाइन आता है और ये जो डिक्लाइन है आजकल टीनेजर्स और यंग में भी देखने को मिल रहा है सो दैट एक्टिव लाइफ स्टाइल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो द थिंग इज जो हमारा ब्रेन है एक्सरसाइज हमारे ब्रेन को यंग रखता है रेगुलर एक्सरसाइज सेंसेबल डाइटरी चॉइसिस आर इम्पॉर्टेंट ब्रेन यंग होता है तो एप्टीट्यूड फॉर लर्निंग बेटर होता है हमारा कॉग्नेटिवेबिलिटी बेटर होती है लर्निंग आउटकम्स भी बेटर होता है सो द थिंग इज एक्सरसाइज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जैसे सिंपल एक्टिविटीज हैं रनिंग ब्रिस्क वॉक स्टेयर केस सीढ़ी से चढ़ना क्लाइंबिंग ब्रिस्क एक्सरसाइजिंग फॉर एनआर दिज वेरी इम्पॉर्टेंट हम ऑल द टाइम टीवी है लैपटॉप है स्टडी कर रहे हैं सेडेंड्री टेबल एंड चेयर पे सो so, ये हमारी हेल्थ को डिटेरियोरेट करता है सेकेंड स्लीप इज इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट्स को एट टाइम्स लगता है कि रात भर पढ़ेंगे खूब अच्छे से पढ़ाई हो जाएगी बट द ट्रूथ इज ऐसा नहीं होता है इनफैक्ट ये आपकी एफिशेंसी कम करता है और लॉन्ग टर्म डैमेजेस करता है यू शुड स्लीप फॉर एटलीस्ट सिक्स टू सेवन आवर्स ऑन डेली बेसिस सिक्स टू सेवन आवर्स नाइट स्लीप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इससे आपका अटेंशन स्पैन बेटर होगा लर्निंग आउटकम बेटर होगा मेमोरी अच्छी होगी सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट बिकॉज स्लीप इज द टाइम जब बॉडी बैलेंस रिस्टोर करती है बॉडी रिकवर करती है इसमें न्यूरोटॉक्सिक वेस्ट होते हैं वो हटते हैं जब हम स्लीप होता है इट इज़ लाइक बॉडी की सर्विसिंग हो जाती है सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सो एडल्ट्स को भी ज़रूरी है सेवन आवर्स सोना स्विच ऑफ करें लाइट को और आप बहुत ज़्यादा मोबाइल और टीवी स्क्रीन डिजिटल स्क्रीन से बचे अदरवाइज ये आपको स्लीप में डेप्रिविएशन ला सकता है स्लीप डिसऑर्डर आ सकते हैं ये जो बात है ना इन सोम्या ये ऑन द राइज है और इससे ही बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्लीप ऑल टाइप ऑफ अदर बायोलॉजिकल डिफिकल्टीज भी होती है और डिप्रेशन आइसोलेशन ऐसी टेंडेंसीज भी बढ़ रही है व्हाई बिकॉज वी आर नॉट हैविंग एक्टिव लाइफस्टाइल वी आर नॉट टेकिंग प्रॉपर रेस्ट हम हमेशा डिजिटल मीडिया कंज्यूम करते हैं और ये जो डिजिटल मीडिया जो होता है ना ये डिजाइन ही है कि ये आप में एंजाइटी लेके आए ऑल द डिजिटल मीडिया आप जितने भी सोशल मीडिया देखोगे ना ये इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं कि दे

उसको आप ऐसे इनफाइनाइट स्क्रॉल करते जाओ स्क्रॉल है वो कभी और देखते देखते दो घंटे निकल जाएंगे दिस इज स्टीलिंग योर टाइम दिस इज स्टीलिंग योर टाइम ओके सो कॉम्पनसेशन शुड नॉट इंसेंटिवाइज रिस्क टेकिंग यहाँ पे रिस्क है आईसीएमआर का स्टडी देखा है तो ये बात हो गया नेक्स्ट इज अभी जो Uh, अभी जो साइक्लोन आया था ये जो साइक्लोन था इसने काफी डैमेज हमें पहुंचाया है स्पेशली चेन्नई में सो हाउ डिड द साइक्लोन फॉर्म ओवर द बे ऑफ देंगोन एक वर्ड होता है साइक्लोजेनेसिस साइक्लोजेनेसिस साइक्लोन का जेनेसिस तो साइक्लोजेनेसिस के पैरामीटर्स होते हैं सी सरफेस टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए एक लो प्रेशर एरिया जनरेट होना चाहिए वर्टिकल विंड शेयर नहीं होना चाहिए नो no? यस yes. तो इससे क्या होता है साइक्लोजेनेसिस होता है कोरिओलिस फोर्स के लिए रोटेशन वहां पर होना चाहिए तो इसको साइक्लोजेनेसिस बोलते हैं साइक्लोजेनेसिस जब होता है तो साइक्लोन मूव करता है साइक्लोन को जो पावर मिलती है वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है लेटेंट हीट समुद्र गर्म होता है लेटेंट हीट क्या होती है हिडन होती है जब एक एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे हम कन्वर्ट होते हैं लिक्विड टू से गैसेस सेम टेम्परेचर पे तो यहाँ लेटेंट हीट का जो होता है ना हिडन हीट जिसे बोलते हैं ये प्राइमरली फ्यूल करती है साइक्लोन को तो साइक्लोन का जो सोर्स है वो सी है द मोमेंट साइक्लोन हिट्स द लैंड इसको बोलते हैं लैंडफॉल लैंडफॉल होते ही साइक्लोन डिसिपेट होने लग जाता है इंडिया में जो ये साइक्लोन्स हैं ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं ऐसे ही एक एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स भी आते हैं तो ये लो प्रेशर सिस्टम होते हैं लो प्रेशर सिस्टम होते हैं तो लैंडफॉल जहां होता है उसके बाद साइक्लोन्स वीकन होते हैं बट द थिंग इज साइक्लोन से ह्यूज स्पीड में विंड फ्लो होती है तो इससे बारिश भी होती है ह्यूज विंड फ्लो होती है स्पीड से तो इससे डिजास्टर्स भी आते हैं डैमेज होता है हमारा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एटसेट्रा तो ये जो साइक्लोन आया अब देखो इसका प्रोनंसिएशन है मिग जॉम है ना मिग जॉम इसका प्रोनाशिएशन है दिस इज मिग जॉम तो ये जो मिग जॉम है ये अभी आया था आंध्र प्रदेश में इसका लैंडफॉल हुआ क्या हुआ लैंडफॉल हुआ मिग जॉम का लैंडफॉल हुआ बे ऑफ बंगाल में ये ब्र्यू हुआ था और तमिलनाडु में भी इसने काफी रेंज दी है तो ये साइक्लोनिक स्टॉम है आईएमडी के अकॉर्डिंग लो प्रेशर सिस्टम होता है साइक्लोन ब्रू होता है अवर टेक्नोलॉजी इज एडवांस्ड हम इन साइक्लोन्स को वेल डेज बिफोर वीक्स बिफोर प्रेडिक्ट कर लेते हैं और अकॉर्डिंगली हम प्रिपरेशन अपनी कर लेते हैं सो so दैट जब साइक्लोन आता है तो हमारा जो डैमेज है चाहे वो ह्यूमन लाइफ हो या इंफ्रास्ट्रक्चर हो वो मिनिमल रहता है साइक्लोन मिगजोंग कैसे प्रोड्यूस हुआ ये पूरे साउथ के स्टेट्स जो हमारे हैं तमिलनाडु यहाँ पे इम्पैक्ट हुआ स्पीड 200 किलोमीटर तक ये यहाँ पे गई थी इसकी और ये साइक्लोन आया इंटेंसिफाई कैसे होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन का जो फ्यूल है वो है वार्म सी सरफेस समुद्र का पानी गर्म हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग और ये वार्म सी सरफेस इज द फ्यूल ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लॉन्स तो वार्म सी है मॉइस्चर वहां से मिल रहा है और उसके कारण साइक्लोन इंटेंसिफाई होता है साइक्लोन इंटेंसिफाई होता है देन वो मूव करता है हीट रिलीज करता है आगे बढ़ता है और फिर उसका लैंडफॉल होता है जमीन पे तो दिस इज हाउ इट अब साइक्लोन का इंटेंसिफिकेशन में प्रॉब्लम ये है कि दीज साइक्लोन्स आर गेटिंग दीज साइक्लोन्स आर गेटिंग फ्रीक्वेंट ज्यादा फ्रिक्वेंट हो रहे हैं और ज्यादा इंटेंस हो रहे हैं फ्रीक्वेंट एंड इंटेंस और वो हो रहा है ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज तो साइक्लोन इंटेंसिफिकेशन को प्रिडिक्ट करना भी काफ़ी डिफिकल्ट होता है इसमें जो हमारा आईएमडी है वो सुपर कंप्यूटर्स भी यूज करता है बिकॉज ह्यूज अमाउंट में कैल्कुलेशंस यहाँ पे करने होते हैं सुपर कंप्यूटर तो द थिंग इज कि ऑल दो वी आर वेरी वी हैव बिकम वेरी गुड इन प्रडिक्टिंग दीज साइक्लॉन्स बट डिजास्टर प्रिपेयरनेस में अभी हमें और एफर्ट्स डालना जरूरी है एट द सेम टाइम क्लाइमेट चेंज की जो रियालिटी है उसको हम एड्रेस करें हाउ डज स्पेशल पैकेज मीन वो पी वी ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी का फेवरेट है एवरी ईयर एक क्वेश्चन आता है पर्टिकुलरली वलनरेबल ट्राइबल ग्रुप से पीवी तो पर्टिकुलरली वलनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के लिए अभी एक स्कीम आई है स्कीम का नाम क्या है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन पी एम जनमन मतलब प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान पी एम जनमन तो ये स्कीम डेडिकेटेड है पी के लिए पी के बारे में हमें ज्यादा से ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए और उनके जो राइट्स हैं उसको कंजर्व करना जरूरी है तो ये पर्टिकुलरली वलरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं पी राज्यसभा में ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर ने बताया कि डिक्लाइन है पॉपुलेशन में लाइक पी वाज नॉट इन डिक्लाइन इन्फॉर्मेशन दिया है ओवरऑल तो पीवीटीजी का क्राइटेरिया क्या होता है मैं आपको बताता हूँ तो पीवीटीजी क्या होते हैं इनिशियली प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स हैं primitive tribal groups है, है, ये प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स है पी वी टीजीज हैं ये डिफाइंड है बाय द गवर्नमेंट एज ट्राइबल कम्युनिटीज ट्राइबल कम्युनिटीज दैट शो इधर अ डिक्लाइनिंग और स्टेगनेंट पॉपुलेशन मतलब उनकी जनसंख्या या तो कम हो रही है या स्टैगनेंट हो गई है यूज ऑफ प्री एग्रेरियन टेक्नोलॉजी है जो उनकी खेती करने का तरीका है वो भी बहुत प्रमेटिव है यूज ऑफ प्री एग्रेरियन टेक्नोलॉजी है इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है वहाँ पे अभी इतना इकोनॉमिक नहीं वहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है लिटरेसी कम है तो जिस ट्राइबसी हमारे यहाँ ट्राइबल पॉपुलेशन है बट ऑल ट्राइब्स आर नॉट सेम सम ट्राइब्स हैं जिनको अभी मेन स्ट्रीम में भी हैं इंटीग्रेशन भी है बट सम ट्राइब्स ऐसे हैं जहाँ पे पॉपुलेशन स्टेग्नेंट है प्री एग्रेरियन टेक्नोलॉजी है इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है सो दैट इज वाई इन ट्राइब्स के प्रति हमारी जिम्मेदारियाँ भी बढ़ जाती है दे आर रिविंग इन रिमोटेस्ट एंड मोस्ट इन एक्सेबल एरिया इन द कंट्री तो ऐसी अठारह राज्य में ये स्प्रेड है और इनको पी वी टीजीज बोला जाता है पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप प्रिविलेजेस एंड प्रेडिकामेंट्स ये एक रिपोर्ट आई थी एंथ्रोपोलॉजिक सर्वे दो हजार सोलह में और इसमें यह बताया गया कि जैसे पी वी टीजीज कहा है उड़ीसा में सबसे ज्यादा पी वी टीजीज है उड़ीसा में पंद्रह पी वी टीजीज है आंध्रा में बारह है बिहार और झारखंड में भी पी है नाइन ईच मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ में भी है सेवन तमिलनाडु में सिक्स केरला गुजरात में फाइव ईच तो दीज आर पी इसके अलावा वेस्ट बंगाल में है कर्नाटका में है उत्तराखंड में है और एक राजस्थान में भी है त्रिपुरा मणिपुर में भी है फोर ट्राइबल ग्रुप्स जो अंडमान के हैं निकोबार आइलैंड में ये भी पी में आते हैं तो द थिंग इज

इस चौबीस हजार करोड़ रुपए का बजट है हमारा प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान है इसमें PVTGs को हमने क्या डायरेक्ट किया है कि PVTGs के पास भी जहां ये रहते हैं अच्छी सड़क होनी चाहिए बिजली होनी चाहिए पक्के मकान होने चाहिए मोबाइल कनेक्टिविटी भी होना चाहिए पीवी में ये पर्पज है पीएम जनमन का कि वहां पे बेसिक फैसिलिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रेजेंट हो तो ये पैकेज अभी बजट सेशन में अनाउंस किया था पंद्रह हजार करोड़ रुपए का इस बार का एक्सपेंडिचर हमारा टारगेट है और अभी ऑफिशियल्स ने इस पैकेज को मैसिव कॉन्ट्रीब्यूशन देखा है और हमारे जो प्रेसिडेंट मैम है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मैम इन्होंने भी स्पेशल इंटरेस्ट दिखाया है ओवर दिस प्लान अब ये क्या होगा इसमें हम यहाँ पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करेंगे रोड्स बनाएंगे हाउस में पाइप वाटर देंगे मल्टीपर्पज सेंटर्स बनाएंगे हॉस्टल्स होगा मोबाइल टावर होगा द थिंग इज हम बेसिक इंफ्रा प्रोवाइड करेंगे Okay. तो यहाँ पे ये यह बताया है टीजी अब इसमें इतना बजट है अब सी चैलेंजेस क्या होते है? होता है एरिया होता है सो दीज आर सर्टेन चैलेंजेस बट कैंपेन से अवेयरनेस करने की बात है और पीवी टीजी को मेन स्ट्रीम करना बहुत जरूरी है दिस इज अवर प्रायोरिटी सो स्पेशल पैकेज है मीन फॉर पीवी अब आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे बात है आर क्राइम अगेंस्ट ऑन द वाइस सी ये जो टॉक्सिक मेस्क्यूलिटी है इसको हम एनकरेज नहीं करते हैं क्राइम इज अ क्राइम चाहे वो फिजिकल क्राइम हो चाहे वो मेंटल क्राइम हो चाहे वो इमोशनल क्राइम हो एनी टाइप ऑफ क्राइम जो है वॉयेंस है इट इज नॉट एक्सेप्टेबल आर क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन ऑन द राइज सो वॉट डू डेटा फ्रॉम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो इंडिकेट फॉर दो लॉज क्या है वीमेन सेफ्टी के और क्या हर्डल्स आते हैं इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारे क्राइम्स हैं ना रिपोर्ट ही नहीं होते बहुत सारे जो डोमेस्टिक क्राइम्स होते हैं डोमेस्टिक क्राइम्स होते हैं वो कभी भी उसकी कंप्लेन नहीं आती है वो प्रॉपर रिपोर्ट ही नहीं होते सो जो डेटा हम यहाँ पे बता रहे हैं ना एनसीआरबी का जो डेटा बता रहा है इट इज़ अ फेयर पॉसिबिलिटी कि जो एक्चुअल नंबर होंगे वो इससे कहीं ज़्यादा होंगे बिकॉज मैक्सिमम जो रिपोर्ट्स होती हैं वो कभी भी कम्प्लेन आती ही नहीं है सो व्हाट आर द हर्डल्स इन देयर इम्प्लीमेंटेशन व्हाट आर द चैलेंजेस दैट स्टैंड इन द वे ऑफ इफेक्टिव जस्टिस सो दिस इज अगेन अ वेरी सेंसिटिव एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक लॉ एंड ऑर्डर सोशियोलॉजी, एडमिनिस्ट्रेशन एथिक्स जीएस 1 वन टू थ्री फोर हर जगह इसका यूटिलिटी है तो अब देखिए ऑल दो यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है नंबर बट डिक्लाइन क्यों हुआ है क्या एक्चुअल क्राइम कम हुए हैं या फिर उनकी reporting कम कम या रिपोर्टिंग कम हुई है ये दो अलग बात है कि क्राइम कम हो गए हैं या क्राइम की रिपोर्टिंग कम हुई है

एंड सोसाइटल एटीट्यूड रिमेन चेंजड अच्छा खासा पढ़ लिख गए हैं अच्छा खासा जॉब कर रहे हैं अच्छा खासा पैसे कमा रहे हैं बट द थिंग इज जो सोचने का तरीका है जो बिहेव करने का तरीका है जो कंडक्ट करने का तरीका है वो करेक्ट नहीं है वो करेक्ट नहीं है सो द थिंग इज एजुकेशन अलोन इज नॉट द सोल्यूशन अक्सर हम देखेंगे ज्यादा एजुकेटेड है तो ज्यादा हीनस टाइप ऑफ क्राइम्स हो रहे हैं वहाँ पे दिस इज अगेन बिग कॉज ऑफ वरी

एक ट्रेड नहीं हो रहा है व्यापार नहीं हो रहा है यहाँ पे सो थिंग इज़ इज़ दिस दिंगली रॉन्ग प्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव लेबर जो है वो भी ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है, यस। सो दिस इज़ फिफ्टी वन एफ आई आर आया 51 पॉइंट फोर 4.45 लैक केसेज आए हाई क्राइम रेट है यहाँ पे लोअर स्टेटस एंड इनइक्वालिटी बताता है फेस बायमन एंड गर्ल्स वुमेन एंड गर्ल्स कंटिन्यू बी ट्रीटेड एज परमानेंट शॉक एब्जॉर्बर अक्रॉस क्लास कास्ट एंड अदर एक्सेस जब भी कोई भी हमने इन द पास देखा है डिजास्टर्स है कोविड नाइन्टीन भी आया अदर आया सो द थिंग इज मेजोरिटी जो प्राइस पे हो रहा है डिफिकल्टीज फेस कर रहा है वो वुमेन सेक्शन है इट इज एन आउटकम ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ पेट्री इन द न्यू लिबरल इकोनॉमिक एरा तो दिंग इज प्रोग्रेसिव हुआ है वैल्यू सिस्टम भी हमारा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बेटर हुआ है बट स्टिल ये जो जेंडर इनसेंसिटिवनेस है ये अभी भी देखने को मिलती है कई बार सेड होती है कई बार unsaid होती है सो दिस इज द थिंग अब इसका चैलेंज डिफिकल्ट है जैसे रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर है मीरान चडा मैम इन्होंने बताया एनसीआरबी रिपोर्ट मेनली शोज दैट विमेन फील कॉन्फिडेंट टू अप्रोच द पुलिस एंड गेट क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड तो केसेस भी एट टाइम्स रजिस्टर्ड नहीं होते तो डेटा करेक्ट आता नहीं है

वहाँ पे एक बैरियर आ जाता है एक बैरियर आ जाता है अब वुमेन सेफ्टी के लॉज है इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 है ट्रैफिकिंग ऑफ एनी थिंग इज रॉक जब प्रॉब्लम्स होंगी तभी तो आप उनको आइडेंटिफाई करोगे ना अनिकुंज प्रॉब्लम्स जानना तो जरूरी है ये प्रॉब्लम्स ही नहीं जानते कितने अच्छे से यहाँ पे समराइज किया और ये प्रॉब्लम सबको पता है

protection of women from domestic violence act at 2005 sexual harassment of women at workplace prevention prohibition and redressal act at 2013 indecent representation of women prohibition ये क्लासरूम्स में भी एट टाइम्स होता है विमेन गर्ल चाइल्ड ने कोई प्रॉब्लम बताया कोई सवाल पूछा वो सवाल पूछा शी विल थिंक 10 टाइम्स कि मैंने क्वेश्चन पूछा तो कोई मुझे लाइक like बुली करने नहीं लग जाएगा या फिर ऐसे रिमार्क्स नहीं आ जाएंगे और वही अगर कोई मेल स्टूडेंट होता है उसको इतना सोचना नहीं पड़ता सो so, ये जो बैरियर्स है ना ये एवरीवेयर यू कैन सी इफ यू वॉच क्लोजली यू कैन सी इट एवरीवेयर और इन्हीं बैरियर्स को दूर करना जरूरी है सो दिस इज द थिंग आप अब ग्रुप स्टडी करते हो दो मेल स्टूडेंट है बड़े अच्छे से बॉन्ड हो जाएंगे कब पढ़ना है कैसे पढ़ना है रात को दो बजे पढ़ना है एक बजे पढ़ना है बट वही अगर वुमेन स्टूडेंट है फीमेल स्टूडेंट है मुझे पढ़ाई के लिए जाना है इस पर्टिकुलर ऑनलाइन स्ट्रेंजर से बात करना है या नहीं करना है ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं दिस इज ऑल्सो वन पार्ट ऑफ लाइक अवर सोसाइटी सो दिस इज द थिंग सेक्शुअल हेरासमेंट ऑफ वुमन इट वर्क प्लेस है प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन है इनडिसमेन प्रोहिबिशन एक्ट है एक्सपर्ट से इम्प्लीमेंटेशन फेसिस और कई बार चलता है एटीट्यूड हम कर देते हैं ठीक है कोई बात नहीं चलता है दिस दिस इज इज नॉट नॉट ओके चलता है सो लॉज आर गुड एंड वर्स सो इवन अर्लियर बट द थिंग इज उनका इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है ओके okay, तो जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट कोर्ट है टाइमली वहां पर बात नहीं हो पा रही है वहां पर डिसीजन मेकिंग नहीं हो पा रहा है तो दिस इज द थिंग एट टाइम्स जो पुलिस हमारी जो होती है वो भी सफिशियंट वुमेन स्टाफ नहीं होता है वहां पे तो उससे क्या होता है जैसे कोई क्राइम हुआ है और से वुमेन फील डिस्कम्फर्ट इन टेलिंग दैट क्राइम टू एनी मेल पुलिस ऑफिसर सो देर तो इसके लिए प्रॉपर स्टाफिंग होना भी वहां पर जरूरी होता है सो so, ऐसे बहुत सारे सेड अनसेड चैलेंजेस है दिस इज फैक्ट कि जो हमारी सोसाइटी है एट टाइम्स इट इज लिटिल बिट फ्लॉड और इसमें करेक्शन करने जरूरी है सो आर क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन ऑन द राइस सो दिस इज एफ ए क्यूब अब ये है दिस इज दिस इज कॉप ट्वेंटी एट जो अभी कॉप ट्वेंटी एट दुबई में हुआ था इसका आंसर राइटिंग में कल दूंगा आपको कॉप ट्वेंटी एट का हम एक बहुत अच्छा सा इसमें एक समरी बनाएंगे समरी बनाएंगे नहीं चलता है एटीट्यूड नहीं होना चाहिए अगर इनजस्टिस है तो वॉइस रेस करना भी बहुत जरूरी है वॉइस रेस करना भी जरूरी है दिस इज रेस ऑफ चैट बॉर्ड्स तो ये गूगल का जेमिनी है ये जॉइंट एआई मॉडल है गूगल जेमिनी अभी जेमिनी है जैसे चैट जीपीटी आया था वैसे ही गूगल का बार्ड था अभी फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ये चैट दिस दिसमीन है कंज्यूमर प्राइसेस फॉल फास्टेस्ट इन थ्री इस तो कंज्यूमर प्राइसेस चाइना में कम हुई है मल्टीपल फैक्टर्स टू रीडिफाइन सेमी कंडक्टर लैंडस्केप दिस इज सीमेंट दिस इज कैपेसिटी क्लाउड जॉइंट ए डब्ल्यू एस गोज ए आई ए आई इज एवरीवेयर बी पार्ट ऑफ इंडिया ग्रोथ स्टोरी यहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट को बताया गया इजराइल एंड गाजा श्रीलंका एंड ई यू की स्ट्राइक है मनीला एक बीजिंग ऑफ शूटिंग वाटर कैन ऑन स्पोर्ट्स तो यहाँ पे बीजिंग एंड साउथ चाइना सी देन दिस इज नेक्स्ट वन स्पोर्ट्स का न्यूज है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है ये है क्रम्बलिंग हिल्स और ये बात है मेघालय का तो मेघालय इज वेरी ब्यूटिफुल नेचर्स रीजन में, कोल और लाइम स्टोन, और और स्टोन रिजर्वर होने के कारण यहाँ पे माइनिंग एक्टिविटीज भी है लीगल इन लीगल दोनों नाइन परसेंट ऑफ कंट्री का टोटल लाइम स्टोन है यहाँ पे तो ह्यूमन ग्रीड है और ह्यूमन ग्रीड की कोई लिमिट होती नहीं है तो लाइम स्टोन माइनिंग जो है ये ओपन कास्ट मेथड से है और लाइम स्टोन माइनिंग से क्या हो रहा है सीमेंट लाइम लाइम एडिबल हम निकाल रहे बट द थिंग इज एट वॉट कॉस्ट सो वेस्ट जेंतिया हिल्स है और इसमें यहाँ पे डेनोडेशन हो रहा है लॉसेज हो रहे हैं कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज भी है कोल यहाँ पे रेट होल माइनिंग भी बहुत पॉपुलर है जो अभी हमने टनल एस्केप में रेस्क्यू में देखा था रेट होल माइनिंग तो ये रेट होल माइनिंग भी होती है ओपन क्वेरिंग होती है यहाँ पे लाइमस्टोन एंड कोल का तो स्टोन माइनिंग है ओपन क्वेरी है और इसके कारण यहाँ का जो जोग्राफी है सॉइल वाटर पॉल्यूशन ये फ्लोरा फोना सब डैमेज हो रहा है बायोडाइवर्सिटी इरोजन यहाँ पर हो रहा है यस सो यस दिस इज क्रम्बलिंग हिल्स तो ये है क्रम्बलिंग हिल्स ऑल राइट सो दिस इज द हिंदू न्यूज पेपर फॉर टूडे मी फाइव मोर मिनट्स आंसर राइटिंग डिस्कशन भी अभी हम करते हैं ओपन सीक्रेट टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन आई एम टेलिंग यू ओपन सीक्रेट स्टूडेंट बहुत फैंसी चीजें करते हैं बट वो लिखते नहीं है राइटिंग नहीं होती है डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी से पढ़ाई नहीं होती है और यही उनके सेलेक्शन को कॉस्ट करता है सो यू डू नॉट

ऐसे टेढ़ा पड़ते नहीं बनता है दिस इज गुड इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ यूरोप है See, ये सारी रिवर्स यहाँ पे बता दी पो रिवर है वो भी आपने एक्सप्लेन कर दिया वेरी नाइस वेरी गुड सी ये सारी रिवर्स आ गई बस इसी से मैपिंग हो गया तो हम क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं कि मैपिंग जब प्रिलिम्स आ जाएगा तो आखिर में स्पेशल क्लासेस लेंगे मैपिंग वगैरह का वाई नॉट कैन वी डू इट कॉन्टिन्यूसली रेगुलरली ऑन डेली बेसिस से जब हम न्यूज देख रहे हैं यूरोप की सारी रिवर्स हो गई यहाँ पे कितने अच्छे से कवर हो गया नो यस इट्स ऑल राइट इट्स ऑल राइट अब सी नेहा ने भी देखो कितने अच्छे से बनाया ये सारी रिवर्स है मेजर रिवर्स हो गई बैरन सी सारा सी नॉर्वेजियन सी नॉर्थ सी बे ऑफ बिस्के मेडिटेरेनियन कैस्पियन ब्लैक सी सारे यहाँ पे सी भी आ गए और सारी रिवर्स भी आ गई वंडरफुल रिवर के सोर्सेस बताए आपने रिवर पो क्या है राइन डेन्यूब है गुड वेरी गुड अफसाना दिस इज गुड अफसाना ने भी बहुत अच्छा डायग्राम बनाया है यहाँ पे सारी रिवर्स है देन थेम्स थेम्स रिवर लंदन की गंगा राइन सीन एब्रो यहाँ पे पो देन यहाँ पे ये यह पूरा रिवर वाटर वे सिस्टम राइन का बता दिया वंडरफुल और इम्पोर्टेंट सिटीज भी बता दिए लंदन थेम्स पेरिस रोम किएव और वार्सा वंडरफुल अर्चना दिस इज गुड अर्चना ने रिवर्स को हाईलाइट किया है सारी रिवर्स है दिस इज अ गुड स्टाइल रिवर्स वेरी गुड इंपोर्टेंट रिवर्स फिर वन बाय वन इनका नोट भी बनाया है डॉन मॉस्कोवा थीम्स देन वोल्गा वेरी नाइस वंडरफुल काजल काजल इज डूइंग रियली रियली गुड वेरी हार्ड वर्किंग दिस इज वंडरफुल वोल्गा देन ये सारी रिवर्स है देखो दिस मैप इज गुड प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत अच्छी है डेन्यूब रिवर नाइपर वोल्गा वेरी नाइस गुड वंडरफुल नंदनी नंदनी ने भी कितना अच्छा डायग्राम बनाया दिस इज गुड तो सी एक एक्सरसाइज से हमें कितना बेनिफिट हुआ ये सारा अपना हो गया आपके पास एक एटलस होना चाहिए ऑक्सफोर्ड का एक एटलस आप खरीद लो अच्छा एटलस है सारे एटलस अच्छे होते हैं जो आपके पास है वो बेस्ट है उस एटलस में आप मल्टीपल टाइम्स इन सारे लोकेशन को देखो वहां पे मैप में स्टिकी नोट्स लो और उन स्टिकी नोट्स को पेस्ट करके रिवाइज करो मल्टीपल टाइम्स ओके वेनु दिस इज गुड वेनु ने भी कितना बढ़िया से मैप बनाया है यहाँ पे गुड सारी रिवर्स आ गई यहाँ पे सी ज वंडरफुल और इम्पोर्टेंट सिटीज भी आ गया वेरी नाइस शशि शशि का वर्क नेक्स्ट लेवल होता हैशि really, really का जो मैप वर्क है ना वो मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल का मैप वर्क है दिस इज रियली गुड ये यहाँ पे पूरा यूराल माउंटेन बताया यूरोप कैसे शिफ्ट हुआ फिर ये वॉल्गा सीओ फो ब्लैक ब्लैक सी एजियन मेट सी, ब्लेक सी, सी दिस इज वेरी वेरी नाइस थेम्स नॉर्थ इसमें सारी इंपॉर्टेंट रिवर्स भी यहाँ पे बता दी वंडरफुल बेस्ट देन दिस इज गुड यहाँ पे आपने बताया कोल्ड वेव ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वंडरफुल ये सारी चीजें आपने बताई सी दिस 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 मैप इज इज अगेन रियली सो नाइस हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट सारे बता दिए जितने भी मरुस्थल है दिस इज टेम्परेचर के हिसाब से वंडरफुल वेरी नाइस सृष्टि लुक एट दिस मैप दिस इज अगेन सो ब्यूटिफुल दिस इज वेरी गुड मैप और कलर कोडिंग भी बहुत अच्छा है इसमें ब्लू है ग्रीन है फिर कॉन्टिनेंट भी अलग कोड से बताया है और सारे इंपॉर्टेंट रिवर्स सोर्स एंड माउथ दोनों फिर ऐसे बता देखो दिस स्टाइल इज गुड दिस प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत अच्छी है सृष्टि की दिस इज गुड डेन्यूब रिवर देन ये सारी इंपॉर्टेंट रिवर्स है और इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कहाँ से जा रही है कौन सी इंपॉर्टेंट सिटीज है बैंक में वेरी नाइस nice. पवित्रा दिस इज अगेन सो ब्यूटिफुल आप सब लोग ना बहुत अच्छे हो गए हो मेंस देखना अभी इस बार अपना टारगेट है कम से भी कम हंड्रेड प्रिलिम्स क्वालिफाई होने हैं इस बार हमारे यहाँ से हंड्रेड से ज्यादा ही करने हैं हमें एक हजार करेंगे हम बहुत बड़ा टारगेट लेके चलते हैं है ना इस बार प्रिलिम्स से हमें सेलेक्शन चाहिए प्रिलिम्स होते ही मेन्स में हमारे बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट रहेगा देखना मेन्स में आप लोग बहुत अच्छा करोगे हमें इस बार हंड्रेड सेलेक्शंस चाहिए सृजन इंडिया वन से प्रॉमिस करो हंड्रेड स्टूडेंट का एटलीस्ट हो होना चाहिए ड्रॉ मैप ऑफ ऑल द इम्पोर्टेंट रिवर्स यूरोप में ये देखो कितना बढ़िया पवित्रा ने बनाया टू द पॉइंट है सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी क्विकली यहाँ पे लिख दिए एग्जाम में बहुत अच्छे से ये चीजें आप रेप्लीकेट कर सकते हो वंडरफुल सी तो प्रैक्टिस जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना आपको तो उतना ही बेनिफिट होगा सो राइट राइटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट चलो सो लेट इज एंड दिस सेशन बज सेव टू गो ऑल राइट सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टेक केयर स्टडी वेल एंड बी सेफ सी यू इन द नेक्स्ट क्लास आज शाम को पॉलिटी की मास्टर क्लास होगी और आज हम मेजर पोर्शन पॉलिटी का कंप्लीट कर देंगे और हम स्टार्ट करेंगे फिर हिस्ट्री वी आर गोइंग टू स्टार्ट हिस्ट्री तो दो कोर्सेज अभी चल रहे हैं ये एक इंटीग्रेटेड कोर्स है इसमें सारी चीजें इंक्लूडेड है ऑल द कोर्स सब्जेक्ट्स और इकोनॉमिक्स आप सेपरेटली भी पढ़ सकते हैं और ये हिस्ट्री है इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री फी जरूरी है एक नॉमिनल फी है एंड इट इज रिक्वायर्ड ओके सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टेक केयर स्टडी वेल एंड बी सेफ अ नाइस डे एवरी वन